नमस्कार, आप देखो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 2018 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को विदा कह गए थे। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने अटल जी को किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी सदैव अटल स्मृति पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। कोरोना वायरस के कारण वैष्णो देवी के दर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद आज से एक बार फिर से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 5 महीने बाद खुला माता का दरबार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। हर भारतीय को सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास। पीएम मोदी को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से सुनिश्चित होगा कि वो इसे बनाए रखेंगे। लखीमपुर खीरी में 12 साल की किशोरी का शव छत विक्षत हालत में खेत से हुआ बरामद। दरिंदों ने किशोरी की गला दबाकर पहले हत्या की, फिर उसके बाद मासूम की आंखों को फोड़ डाला। मामला थाना ईसा नगर इलाके का। परिवार वालों ने गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू। इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। रेप के बाद किशोरी की नृशंस हत्या अति दुखद। मायावती ने कहा, सपोर्ट वर्तमान बीजेपी सरकार में क्या अंतर रहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ट्वीट। कहा, मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से समाज संसार। बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में एक गांव में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पड़ोस के रहने वाले 45 साल के शख्स ने मंदबुद्धि युवती को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। दबंग ने बंद कमरे में पूरी घटना को अंजाम दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन और आसपास के लोग जमा हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर में अलर्ट। बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, झांसी, जालौन में भी अलर्ट। अलग अलग जगहों पर 3 घंटे हो सकती है बारिश। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 25,89,000 के पार। कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। देश में 6,77,960 से ज्यादा केस एक्टिव, जबकि 18,60,960 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 24 घंटे में 951 लोगों की मौत। यूपी में तेजी के साथ बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,814 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,50,000 के पार।
यूपी में कोविड-19 की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा 58 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना से अब तक 2,393 लोगों ने जान गंवा दी है। प्रदेश में 51,437 के करीब केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,020 नए मामले रिपोर्ट हुए। कोरोना से अब तक 19,749 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,56,409, वायरस से ठीक होकर 4,08,286 लोग लौटे घर। 24 घंटे में 322 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 5,807 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 3,32,000। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 8,732 नए मामले रिपोर्ट हुए। कुल मरीजों की संख्या 2,81,817। कोरोना से अब तक 2,378 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पसार रहा अपने पांव। पिछले 24 घंटे में 8,732 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,19,926 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 1,276 नए मामले रिपोर्ट हुए। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,51,928, मरने वालों की तादाद 4,188 के पार।